जैसे अगर कोई और फीमेल आएगी तो वो बहुत हंस के बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, अगर मूड ऑफ भी है तो भी चेहरे पे एक स्माइल आएगी, जैसे बहुत सारे एड्स चलते हैं मैन विल बी मैन। इंडियन हस्बैंड हीरो है या विलेन? फ्रेंड्स, आज की डेट में ये टॉपिक बहुत मायने रखता है। मेरे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए उनके जब कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ और फीमेल सब्सक्राइबर्स के जब मैसेजेस पढ़ती हूँ, उसमें एक ही मैसेज होता है कि मैम मेरे हस्बैंड समझते नहीं है, मैम हस्बैंड टॉन्ट करते, मैम हस्बैंड ये करते, हस्बैंड बात नहीं करते, हस्बैंड प्यार नहीं करते। सो ओवरऑल जो एक इमेज है हस्बैंड की वो एक विलेन की तरह आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मुझे इतने दिनों से फॉलो कर रहा है वो जानते हैं कि मैं एक तरफा किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। सो प्लीज मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ये जो इंडियन हस्बैंड है, भारतीय पति, इसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। यानी कि अगर कोई चीज अच्छी बनी है तो भी उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो खाते रहेंगे। आप उनके सामने कुछ भी अच्छा कर दो, घर सजा दो, उनको अच्छा लगेगा बट वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सो ये जो चीजें होती है कि भाई एक्सप्रेस करना, अच्छा लगे तो अच्छा बोलो, बुरा लगे तो बुरा बोलो, बुरा वो बोल देंगे लेकिन अच्छा कहने में उन्हें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। सो जो घर पे है, जो पूरे दिन पलक पावड़े बिछा के उनका इंतजार कर रहा है और जिसने इतना सजाया सवारा, खुद को भी सजाया, खाना भी अच्छा बनाया, वो एक तारीफ का भूखा होता है कि भाई कुछ तो एक्सप्रेस कर दो कि वाह क्या बात है, या वाओ कुछ भी अच्छा सा। सो यहां पर हमारा इंडियन हस्बैंड अच्छा होते हुए भी, बहुत प्यारा होते हुए भी, वो विलन की कैटेगरी में आ जाता है। और ये एक बार में नहीं होता है, ये कई सालों में जब तक चलता रहता है। शुरू में लगता है कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखते हो सो बुरा सा लगने लगता है और इंडियन हस्बैंड की जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब बीवी को लगता है कि भाई ये क्या बात है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मैं सच संवार लूँ, चाहे घर संवार लूँ, चाहे बच्चों को संभाल लूँ, चाहे खाना अच्छा बना लूँ, जब किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सो करने से फायदा क्या। सो यहाँ पर मैं दोनों को समझाना चाहूंगी, पति को समझाना चाहूंगी कि भाई थोड़े से बोल ही तो बोलने हैं, प्लीज बोल दीजिए। आप अगर ऑफिस भी जाते हैं, आपको पियून एक कप पानी भी पिलाता है सो आप उसको थैंक यू कहना नहीं भूलते, या आपके लिए कोई जरा सा फेवर कर देता है आप उसको थैंक्स कहना नहीं भूलते, आप जरा सा कुछ बात होती है आप तारीफ करना नहीं भूलते। सो प्लीज ये दो शब्द घर पे भी बोल के देखिए, मजा आ जाएगी। मैं इंडियन वाइफ को भी यहाँ पे कहूंगी कि भाई ये भारतीय पति है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। आपको अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है सो आप खुद ही बोल दीजिए उल्टा कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, खा कर देखो, और खुद से खुद की तारीफ करो। उसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट आता है कि इंडियन हस्बैंड को थोड़ा सा बैलेंस करने में भी दिक्कत आती है कि वो फैमिली मेंबर्स और वाइफ के साथ कैसे दोनों का बैलेंस बिठवाए। यहां पर मैं बात कर रही हूं मदर इन लॉ की और वाइफ की, कि कई बार जब ये चीजें क्रश होती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अरे भाई आपकी वाइफ तो अभी थोड़े टाइम पहले आई है, लेकिन आपको बचपन से अपने पेरेंट्स का नेचर पता है, आपको चीजें एडजस्ट करानी पड़ेंगी, यानी कि दोनों का मेल मिलाप कराने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा नहीं है कि आप शादी करके किसी नए पर्सन को ले आए और आपने सोचा कि अगले खुद ही संभाल लेंगे, चाहे मदर हो और चाहे वो आपकी वाइफ हो, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरी चीज आपको मैं बात बता दूं, यहां पर दोनों को कंफर्टेबल करने की भी जिम्मेदारी आपकी है, यानी कि आप वाइफ ला रहे हैं, आप घर पे मेड सर्वेंट नहीं ला रहे हैं कि वो आपके घर के किचन में काम करने के लिए आई है या झाड़ू पोछा करने आई है, वो आपकी वाइफ है और आपकी लाइफ पार्टनर है। सो आपको उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आप चाहे उनको डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करें, चाहे उनको कंफर्टेबल करें, कैसे भी करके, सो ये जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, जो कई बार आप लोग भूल जाते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं वाइफ्स को भी सजेशन दे दूं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके हस्बैंड वर्क में बिजी हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर मैं कहूंगी कि आप समझदारी का परिचय दीजिए और बैलेंस करिए। मोस्टली घरों में लड़ाई क्यों होती, काम के चक्कर में होती है या चीजें मैनेज नहीं होती तब होती है। सो आपको देखना है कि आप अपने हस्बैंड से बात करिए, आप डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करिए, आप देखिए कि कहां कहां आपको जरूरत है और उसी तरीके से चीजों को मैनेज करिए। और इन सारी चीजों का एक ही सलूशन होता है और वो है मैनेजमेंट, कि किस तरीके से समझदारी से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी आप सिंपली हाउसवाइफ नहीं है, यू पीपल आर होम मैनेजर्स। सो फ्रेंड्स, ये आपको डिसाइड करना है कि आप अभी तक हाउसवाइफ ही बनी हुई है कि आपने मेरा वीडियो देखने के बाद खुद को होम मैनेजर बना लिया। और मैं जहां तक बात बताऊं, ये वीडियो मैंने 1.5 साल पहले बनाया था और उससे बहुतों की लाइफ चेंज हुई है। सो चीजें केवल और केवल मैनेज करने वाली बात है, दिन पे दिन उस पर परेशान होकर उस पर घुसना नहीं है कि जिठानी
रानी ने कहा, देवरानी ने कहा, नंद ने ये कहा, सास ने कहा, और फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स डियर, डू द मैनेजमेंट कि किस तरीके से आपको चीजें सही करनी, खुद को बिना परेशान किए और खुद को बिना हर्ट किए। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि इंडियन हस्बैंड को काउंसलिंग करना नहीं आता। भाई जिस पर्सन को आप इतने प्यार से अपने घर लाए, जिसको आपने सोचा है कि आपकी लाइफ पार्टनर है, अर्धांगिनी है, सो भाई काउंसलिंग करना, जिसे कहते हैं ना कि भाई आज कोई बात हो गई, सो उसको समझाना कि भाई ये ऐसे ऐसे ये फैक्ट्स थे या ऐसा करा या किस चीज में कैसे तुम्हें करना चाहिए। सो ये जो काउंसलिंग होती है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी होती है। आपको लगता है कि चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, या मेरी वाइफ इतनी समझदार है या समझ जाएगी, या वो बहुत ना समझे, उसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। सो क्या होता है कि आप अपना रस्सा कट कर लेते हैं और आपको ये नहीं पता लगता कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपकी वाइफ के दिल में कितना घर कर जाती हैं और वो कितना आहत होती हैं। सो ये जो छोटी सी बात है कि आप एक बार उनसे बैठकर बात कर लीजिए, उनको प्यार से समझा दीजिए, माय डियर फ्रेंड आप हीरो हमेशा अपने घर के बने रहेंगे। और ये इज्जत पाना फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप हीरो हैं और आप अपनी वाइफ की नजर में भी हमेशा हीरो बने रहें। इसके साथ साथ मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि आपके हस्बैंड ये काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि बातचीत करना उन्हें आता नहीं है, वो नहीं करते हैं। सो आपको यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, जब चीजें सारी नॉर्मल हो जाए, शांत हो जाए, सो शांत दिल से शांत मन से उनसे बात जरूर करिए और अपना तर्क रखिए बिना किसी एलिगेशन के और बिना अपनी आवाज लाउड करे। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि जब आपस में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए तो होता क्या है कि रस्ते जैसे अलग से हो जाते हैं। तुमने मुझे ये वर्ड्स बोले, तुमने मुझे ये स्टेटमेंट दिया, सो दोनों क्या करते हैं अपना रास्ता जैसे कहते हैं ना अपार्ट कर लेते हैं कि बिल्कुल ही अलग अलग, कि कोई एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सो माय डियर फ्रेंड्स ये कोई जंग का मैदान नहीं है या कोई आपका वर्क प्लेस नहीं है कि आप कल ये नौकरी छोड़ देंगे, आप अपनी जगह बदल लेंगे, आपके लाइफ पार्टनर्स हैं। सो यहाँ पर भी मैं अपने हीरो से बात कर रही हूँ कि ये जो हीरो पति है उसको ध्यान रखना है कि भाई चीजों को वापस लेके आए। एंड द सेम वे जब इंडियन वाइफ्स की बात करी जाए, सो इंडियन वाइफ इतनी सशक्त है, इतनी मजबूत है, उसको चीजें सही करना आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रोने धोने या दुख के सागर में डुबकी मत लगाइए। अगर आपके साथ कभी इस तरीके की बात होती है, सो प्लीज सिचुएशन को नॉर्मल करिए, चीजों से मुंह मत मोड़िए, चीजों से हटिए मत। ये नहीं कि आप ड्यूटी अपनी नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप दूसरों की जैसे केयर कर रहे हैं आप वैसे ही केयर करते रहिए और चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। इसी के साथ साथ ये जो हमारे इंडियन हस्बैंड उनके साथ एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि वो कंपैरिजन पता नहीं क्यों करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं वाइफ को बहुत चुभते हैं कि भाई जब तुम घर पे थे तब तो तुम्हारा मुंह फूला हुआ था, तुमसे मुस्कुराया तक नहीं जा रहा था, अब भाई कौन सी बात हो गई। सो ये जो चीजें हैं भाई, जब आप बाहर निकल कर मुस्कुरा सकते हो, यानी कि टेंशन कहीं ना कहीं तो पीछे छिपाया ना, है ना। सो घर पे ही क्या टेप लग जाता है या ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अभी मेरे दांत में दर्द है लेकिन मैं इतना बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। सो आपको दांतों में प्रॉब्लम हमेशा तो नहीं रहती, कभी अगर खुदा ने खासा हुई तो। सो भाई अपनी वाइफ के साथ भी मुस्कुरा लो, हंस लो, कभी ड्रामे कर लो जैसे दूसरी फीमेल्स के साथ करते हो। द सेम वे दुनिया भर की फीमेल्स पसंद आएंगी, वही ड्रेस पहने हुए, वही कलर्स पहने हुए, वही नेल पेंट लगाए हुए, वही हेयर स्टाइल हुए, बट अपनी वाइफ जब करती है तब ध्यान नहीं जाता है, या ध्यान नहीं जाता या एक्सप्रेस करना नहीं जानते। सो यहां पर वाइफ आपका इनोसेंस नहीं ले रही है, यहां पर वाइफ को बुरा लगता है और ये बहुत 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 बुरा लगता है। सो अगर आप अपनी वाइफ का कंपैरिजन करें, जो आपकी वाइफ यूनिक है, बाहर की लेडी ना तो आपका घर चला रही है, ना आपके सुख दुख में भागीदार बन रही है, और ना ही मुसीबतों में आपका साथ दे रही है। सो ये जो नायाब चीज आपके घर पे है और ये जो नायाब पर्सन आपके घर पे, प्लीज इसका तिरस्कार कतई मत करें। इसके साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्क प्रेशर और घर पे बैलेंस करना नहीं आता। जो मेरी फ्रेंड्स वर्किंग भी हैं, जॉब भी करती हैं, उन्हें पता है कि जब वो ऑफिस से आ रही हैं, चाहे जितनी टेंशन्स हो, ऐसा नहीं है कि केवल मेल्स के साथ ऑफिस में टेंशन्स होती है, फीमेल्स के साथ भी ऑफिस में टेंशन होती है। जब वो ऑफिस से आती हैं, सो वो सारे काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, खाना भी बनाती हैं, बड़ों की भी केयर करती हैं, हस्बैंड की भी केयर करती हैं, बिना किसी शिकायत के कि उनके ऑफिस में कितना टेंशन चल रहा है। आपको भी अगर ऑफिस में कोई टेंशन चल रहा है, सो माय डियर फ्रेंड उसको घर पे प्रेशराइज लोगों को मत करिए, या अपना चेहरा ऐसे बनाकर मत रखिए कि आप ही बिल्कुल अंधेरे में हैं या ग्लूमी हैं। आपको अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बैलेंस आप ही को करना पड़ेगा कि उनकी गलती नहीं है कि आपके साथ दिक्कत आ रही है। आपको फाइट करना है, आप हीरो हैं, आप संभाल सकते हैं चीजों को। जैसे आप वर्क प्लेस संभाल रहे हैं, द सेम वे अपने घर को भी संभालिए और उनको भी प्यार मोहब्बत दीजिए। फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे इंडियन हीरो का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपना लाइक्स डिसलाइक्स कभी नहीं बताते।
चाहते हैं, उन्हें लगता है कि पता चल जाए। सो ये जो पता चलने वाली बात होती है, आपकी वाइफ है, आपकी अर्धांगनी है, लेकिन वो अंतर्यामी प्रभु नहीं है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनकी कौन सी चीज़ आप पसंद करो और कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल हेट है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये भी प्यार मोहब्बत से आपको बतानी पड़ेगी। सेम वे मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलूँगी कि भाई आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, कोई चीज़ सुझाई जा रही है, सो उसको एज अ कमेंट या टॉन्ट में ना लें, उन चीज़ों को अपने में सही करने की कोशिश जरूर करिएगा। सो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि इंडियन हस्बैंड कल भी हीरो था, आज भी हीरो है और आगे भी हीरो रहेगा, क्योंकि इंडियन हस्बैंड को जिम्मेदारियां निभाना भी आता है, साथ निभाना भी आता है, रिश्ते निभाना भी आता है। मेरे जितनी भी फीमेल सब्सक्राइबर्स या जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स अपने घर में अपने रिश्ते को इस तरीके से बोझ बनाकर समझ रही हैं, प्लीज चीजों को समझिए। ये जो इंडियन हस्बैंड है, जो भारतीय पुरुष है, बहुत सेंसिटिव है, जो अपने दर्द कभी नहीं बताएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि इनकी सेंसिटिविटी का सम्मान करें। जितने भी आपको पॉइंट्स बताएं, प्लीज उन पे गौर जरूर फरमाइएगा। और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।